नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त मेरे साथ इंद्री के पूर्व विधायक राकेश कांबोज जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्योंकि कल जिस तरीके से किसानों द्वारा लगातार बताया भी जा रहा है और हम भी आप सभी को अपडेट दे रहे हैं कि कल 14 फरवरी है और कल करनाल के इंद्री हल्के में किसान महापंचायत होने जा रही है, जिसमें 3 बड़े किसान नेता राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल और उसके साथ साथ सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। तो एक बार जो इंद्री के पूर्व विधायक हैं राकेश कंबोज, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ तैयारियों को लेकर वो बताना चाहते हैं। जी सर, कल 11 बजे इंद्री अनाज मंडी में हमारे राकेश टिकैत जी, प्रवक्ता गुरनाम सिंह चलूनी जी और भी नेता हमारे आएंगे जी। ये प्रोग्राम हमने एक तो अपने जो हमारा संयुक्त मोर्चा है उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रोग्राम रखा है और किसानों को जागृत करने के लिए भी ये इंद्री में इसका आयोजन किया गया, ताकि किसान नेताओं की बातों को सुने और समझे कि यह जो कानून बना है ये किसानों के खिलाफ बने हैं तीनों कानून, और इनको सरकार वापस लेकर किसानों से बात करके अलग तरीके से कानून बनाए। सर, आप इंद्री के पूर्व विधायक रहे हैं और इंद्री की धरती अब चुनी है किसानों ने कि वहाँ पर इस तरीके से किसान महापंचायत हो, और किसानों का ये भी कहना है कि अब रिकॉर्ड तोड़ जो अब तक की पंचायत है वो यहाँ पर रहने वाली है। मैंने पहले चुनी साहब से बात की थी कि हमने इंद्री में प्रोग्राम करना है किसान आंदोलन के बारे में। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी डायरी में डेट नोट करवा दो। मैंने कहा जी संडे का दिन है, 14 तारीख को आप आ जाओ। उन्होंने कहा मैंने डेट नोट कर लिया और मैं आ जाऊंगा। उसके बाद मेरी युद्धवीर जी से बात हुई। युद्धवीर जी जो टिकैत साहब की टीम के महासचिव हैं, उनसे बात हुई टिकैत साहब को बुलाने के लिए। तो उन्होंने युद्ध अपने मान साहब से भी बात हुई कि जो हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान हैं, तो उन्होंने 14 तारीख को कल यानी कि कल आने की हामी भर ली, और वो और उनके साथ और भी किसान नेता आएंगे। और ये जो कल का प्रोग्राम है, हमने मनोबल बढ़ाने के लिए ही इलाके के लोगों ने किया है, और इसका पूरा का पूरा जो भी किसान यूनियन है पूरा का पूरा हर तरीके से इसमें सहयोग कर रही है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे किसान यूनियन के भाई हैं, और इलाके के लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। और कल खाने का भी प्रोग्राम वहीं पे है सभी का, जितने भी चाहे 50,000 आदमी हैं चाहे 1,00,000 आदमी हैं, सबका खाने का इंतजाम हमने किया हुआ है। इसमें कड़ी चावल जो कि कड़ी हमारे इलाके की मेन डिश है जी। वो और भी खाने का जो भी और भी चीज़ें बनेंगी, आलू गोभी और भी जो भी है, सारा का सारा बढ़िया तरीके से सबका, किसानों का बाहर से आएंगे उनका स्वागत करेंगे। सर, अभी हमने कुछ दिनों पहले जब देखा था बसाड़ा टोल प्लाजा पर राकेश टिकैत जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो पहुंचे थे, तो काफ़ी लोग वहां पर उतरे थे, किसान वहां पर आए थे, तो आपको क्या लगता है कल किस तरीके का जन सैलाब उमड़ने वाला है? ये आंदोलन अब और ज़्यादा जोश से शुरू हो चुका है। अब जैसे अब इंद्री में प्रोग्राम है और इलाके में भी प्रोग्राम होगा, फिर गांव-गांव में प्रोग्राम होंगे। जो हमारे किसान भाई दिल्ली बैठे हैं उनके बच्चे भी उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, वो वापस नहीं आ रहे। उनके बच्चे, उनको उनकी पत्नियां, उनकी लड़कियां, उनके बेटे, हम अक्सर देखते हैं जाते हुए उनको दिल्ली, कि वो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि आपके साथ हैं, परिवार की चिंता ना करो, उनको घर बुलाने के बजाय खुद मिलने दिल्ली जा रहे हैं। बड़ा हौसला बढ़ता है इससे, और हम भी अपने जो हमारे किसान भाई, हमारे बुजुर्ग बच्चे वहाँ बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, उन सब का हौसला बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, कि वो ये ना सोचें कि देश के किसान उनके साथ नहीं हैं। सर, रुकने के कौन कौन से स्थल बनाए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर किसान रुकेंगे, और पार्किंग की क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है? पार्किंग मंडी के आसपास बहुत जगह है, रुकने का कहीं कोई प्रोग्राम नहीं है, सीधे आएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना ज़्यादा लेट प्रोग्राम होगा। हमें अपने नेताओं के टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए। यह नहीं कि हमें एक जगह पॉइंट पर रोक लें फिर ट्रैक्टर आगे लगा लें, उनको टाइम पर वो वहाँ पहुँच जाए और टाइम पर वो वापस चले जाएँ, क्योंकि वो उनका एक स्टेट में इनको नहीं जाना होता, कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी राजस्थान, कभी उत्तर प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश। ये आंदोलन अब सारे देश में फैल चुका है और संयुक्त मोर्चा बन चुका है अलग अलग स्टेट्स का, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लीडर हैं, वो सभी मिलकर इस आंदोलन को कामयाब कर रहे हैं। तो कौन कौन से राज्य से कल किसान आने वाले हैं? ऑल इंडिया लेवल से, जिसका हमने किसी को कोई इन्वाइट तो नहीं किया, हमने
जो भी किसान आएंगे वो ऑल इंडिया लेवल पे कहीं से भी कोई आएगा तो उनका स्वागत करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो संसद में कह रहे हैं कि अब वो ज़माना चला गया, अब वो समय चला गया जब मांगने से चीज़ें मिल जाती थी, तो क्या लगता है संघर्ष इतना लंबा होता जा रहा है? 2 अक्टूबर का समय तो खुद राकेश टिकैत जी कहते हैं कि हमने दे दिया है, तो क्या लगता है संघर्ष कितना लंबा होने वाला है? आज राकेश टिकैत जी की स्टेटमेंट है कि आंदोलन जितना मर्जी लंबा चले, 2 अक्टूबर की बात नहीं है ये, जितना मर्जी लंबा चले ये आंदोलन रहेगा। और प्रधानमंत्री जी को अपना जो घमंड में है, ये घमंड एक तरफ रख के किसानों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों के द्वारा ही सरकार चुनी गई है। अगर लोगों की नीयत खराब होगी, लोग का मन बदल गया, क्योंकि सारी उम्र क्योंकि राजा नहीं है ये लोगों के द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री हैं और लोग इसका फैसला आने वाले चुनाव में करेंगे। सर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसान लगातार कह रहे हैं कि काले कानून है, 3 कृषि बिलों को काले कानून बताया जा रहा है, तो इसमें काला क्या है? जब फसल का रेट ही नहीं रहेगा, गेहूं का रेट ही नहीं रहेगा, गेहूं 900 रुपये क्विंटल बिकेगी, जीरी 1000 रुपये क्विंटल बिकेगी, तो काले कानून ही तो है ये। हमारे गोभी हमारे घर से निकलते किसान की 1 रुपया किलो, और घर में आके भाई ये गोभी वाला खड़ा है, भैया गोभी क्या रेट है, गोभी क्या रेट है, आप 15 रुपये किलो बोल रहे हैं, वैसे 30 रुपये किलो बोलता है ये कैमरे को देखकर शायद। हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं किसान अपनी चाहे गोभी है इतनी तोड़ते हुए भी मतलब कई बार तो किराया भी नहीं मिलता। एक बार मैं धनिया भेज दिया मैंने दिल्ली, तो सुरेंद्र धनिया ले गया था तो कहने लगा जी ये तो किराया भी पूरा नहीं हो रहा है, कई बार समर्थन मूल्य कहीं ना कहीं मिलना जरूर चाहिए। किसान की स्थिति सबसे दयनीय स्थिति है जो वो किसान की है। किसान बेचारा कितनी मुश्किल से खेत अपना जोतता है, इसमें किसान गरीब भी है अमीर भी है, आधे किले वाला भी है, कोई 1 किले वाला भी है, 10 वाला भी है, 20 वाला भी है। जब जो छोटे किसान हमारे हैं वो कितने मुश्किल से फसल पैदा करते हैं, और कुछ किसान तो सिर्फ सब्जी के भरोसे ही रहते हैं, वो ना तो जीरे उगाते और ना गेहूँ उगाते ना मक्की उगाते। मक्की 700 रुपये क्विंटल बिकी अब की बार, खुद मैंने देखा 700 रुपये क्विंटल, और सरकार कहती है कि हम 1400 रुपये रेट देंगे, 1600 देंगे, 1800 देंगे, सूरजमुखी का यही हाल है। सर, स्टॉक लिमिट कहीं ना कहीं अब ख़त्म कर दी जाएगी अगर ये कानून इसी तरीके से लागू चलते रहे, और अगर किसान कहीं ना कहीं थक गए इस आंदोलन के चलते, लेकिन हालांकि थकने वाली कोई बात नहीं है और ना ही किसान रुकने वाले हैं, तो स्टॉक लिमिट ख़त्म कर दी गई है तो आपको क्या लगता है महंगाई बढ़ेगी आने वाले समय में? स्टॉक लिमिट जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टॉक करेगा, जिसके पास पैसा होगा ही नहीं मारे जैसे लोगों के पास स्टॉक कहाँ से कर लेगा वो, तो जिसके पास जैसे ज़्यादा किसान कब तक स्टॉक करेगा? किसान के तो खाने पहले ब्याज में मरा हुआ है। कोई किसान ऐसा नहीं है जिसने बैंक से लिमिट नहीं बनवा रखी, हर किसान ने बैंक से लिमिट बनवा रखी है। किसान ये सोचता है मैं अपना कर्जा पढ़ूँ कैसे। बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक तक कह रहे हैं कि ये कानून आने वाले समय में सही नहीं होंगे देश के किसानों के लिए भी और आमजन के लिए भी, लेकिन सरकार किस तरीके से कह सकती है कि ये 3 जो कानून हैं वो सही होंगे, वो हमने हित में चुने हैं? जब किसान ही कह रहे हैं कि हमारे हित में नहीं है, सरकार कौन होती है कहने वाली कि किसानों के हित में है? ये किसान हमारा देश का बड़ा मुश्किल में है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है हमारे देश का किसान। ऊपर से प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं, कभी बारिश आ गई फसल पकते टाइम, चाहे वो गेहूं है, चाहे जीरी है, चाहे मक्की है, वो कंबाइन में नहीं चल पाती और फसल भी ख़राब हो जाती है। जब ज़मीन पर बिल्कुल ही मिट्टी में मिल गई फसल तो कंबाइन भी उसको कैसे निकालेगी, बड़ी दिक्कत हो जाती है और वेट भी घट जाता है और उस मिट्टी में भी रह जाती है हमारी फसलें। सर, अंतिम सवाल के साथ ख़त्म करूंगी कि किसानों का कहना है कि कल जिस तरीके से किसान महापंचायत है तो उसके आगे की रणनीति जो है कल बताई जाएगी, आपको क्या लगता है आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? आगे की तो और इलाके में भी ये प्रोग्राम हो रहे हैं, अब इंद्री को देख के हमारे आसपास के इलाके के लोग बड़े और इलाके के लोग बड़े उत्साहित हैं, वो कह रहे हैं अभी हम इससे भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे। हमें बड़ी खुशी होगी कि जो इंद्री से भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे उनका भी हम उत्साह बढ़ाते हैं, और हम अगर वो हमें बुलाएंगे तो वहाँ पर भी जाएँगे। मैं अंतिम एक बात और कहना चाहूँगा, एक तरफ तो कहते थे 15-15 लाख रुपये खाते में आएंगे, किसी खाते में आए, किसी खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए, 2-2 हज़ार की बात करने लगे हैं, किसी किसान के खाते में 2 हज़ार रुपये आ गए, किसी किसान के खाते में नहीं आए, इसमें भी बंदरबांट हो रही है। तो मेरी तो सभी किसान भाइयों से एक प्रार्थना है, एकजुट होकर
कल आप इंद्री में भी आए, इंद्री अनाज मंडी में। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सभी भाइयों से कि इंद्री अपने सारे मतभेद बुला के, गांव के पार्टीबाजी बुला के और सिस्टम बुला के सारा का सारा सभी किसान भाई और इंद्री अनाज मंडी में आए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को सद्बुद्धि दे और ये तीनों कानून को वापस ले लें। तो ये थे इंद्री के पूर्व विधायक राकेश काम्बोज, जिन्होंने अपनी बात भी बताई, कृषि बिलों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं हो सकते और ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। और कल की 14 फरवरी की जो किसान महापंचायत है करनाल केंद्रीय हल्के में, उसकी क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है वो भी सर ने बताई। तो आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं iBen24, मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। हरियाणा के करनाल की ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।